टोनी चिड़िया ने अपने दोस्तों से दूर होने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और वो कोई काम नहीं करती थी। ये कहकर उसके दोस्तों ने उसका अपमान किया था। टोनी चिड़िया रोते हुए अपने मन ही मन कहती है, मैं अकेली हूँ और मेरे माता पिता भी नहीं है। मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, पर मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? मैंने तो सबको अपना समझा, पर मेरा कोई साथ नहीं दिया। यूं ही उड़ते हुए वो काफ़ी दूर चली गई। काफ़ी दूर आने के बाद टोनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठती है। उसने सोच लिया था कि वो वहीं पर अपना घोंसला बनाएगी। तभी टोनी को कहीं से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। टोनी ने जब चारों ओर देखा तो उसे दिखाई दिया कि एक कबूतर जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा चिल्ला रहा है। टोनी तुरंत मदद के लिए उसके पास गई। अरे आपको इतनी चोट कैसे लगी? वो वहाँ मेरा घर है, मुझे वहाँ ले चलो। फिर टोनी चिड़िया उसे उसके घर ले गई। यहाँ तक मुझे छोड़ने का तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, तुमने मेरी बहुत मदद की हो, एक मदद और कर दो। वो वहाँ दवाइयाँ रखी है, उसे मेरे जख्मों पर लगा दो। फिर टोनी चिड़िया उसके जख्मों पर दवाइयाँ लगाई। टोनी ने उसकी बहुत मदद की और कुछ दिन बाद कबूतर एकदम स्वस्थ हो जाता है। मुझे आपने अपने घर में आसरा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं चलती हूँ। वैसे तो मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए, तुमने मेरी जान बचाई और मेरी इतनी सेवा की। वैसे तुम रहती कहाँ हो? तभी टोनी के आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरे सारे दोस्त धनवान हैं। मैं ठहरी एक गरीब चिड़िया, शायद सब इसीलिए मेरा साथ छोड़ दिए। तब से मैंने ये सोच लिया, ये सब मेरे दोस्त नहीं हो सकते। इस तरह टोनी चिड़िया कबूतर को सारी बात बताई। तुम चिंता मत करो, ईश्वर सब ठीक कर देगा। वैसे तुम्हें ये जख्म कैसे लगे? तुम्हें हुआ क्या था? अरे वो उस दिन कुछ पक्षी के साथ मेरी खाने के लिए लड़ाई हो गई थी। अच्छा, आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात कहूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? आपके पास इतनी जमीन है तो आप इस पर खेती क्यों नहीं करते? हाँ तुम्हारा सुझाव तो अच्छा है। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ। वैसे तुम कहाँ जाओगी? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें कुछ ज़मीन का टुकड़ा दे देता हूँ, तुम उस पर खेती करना और यहीं पे घर बना के रहना। फिर कबूतर अपना एक ज़मीन का टुकड़ा टोनी चिड़िया को दे देता है और टोनी चिड़िया उस पर खेती करके अपना घर वहीं पर बना के खुशी खुशी रहने लगती है। बड़ा तरबूज दे, मेरे बेटे को बड़ा तरबूज बहुत पसंद है। गौरी कभी तोते के दुकान से तरबूज लेकर जाने ही वाली थी कि वहाँ चिड़िया आ जाती है। चिड़िया क्या लेने आई हो? गौरी बहन, मैं भी तरबूज ही लेने आई थी। कुकू कई दिनों से तरबूज खाने की जिद कर रहा है। फिर चिड़िया तरबूज पसंद कर लेती है? चिड़िया तुम्हारी तरबूज तो बहुत अच्छी है, तुम ये मुझे दे दो और मेरे वाला तुम ले लो। नहीं, आप अपना ही ले, मुझे ये अच्छा लगा है। गौरी तुम हर छोटी से छोटी बात पर लड़ाई कर लेती हो, अपना तरबूज लो और जाओ यहाँ से। मैं लूँगी तो यही तरबूज जो चिड़िया ने पसंद किया है। अच्छा ठीक है मिठू, आप मेरा तरबूज गौरी को दे दे और गौरी वाला तरबूज मुझे दे दे। फिर चिड़िया गौरी वाला तरबूज लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा इतना बड़ा तरबूज, आज तो मुझे तरबूज खाने का मजा ही आ जाएगा। मैं अपने बेटे को तरबूज काट कर खाने को दूंगी। फिर चिड़िया एक चाकू लेती है और तरबूज को काटती है। चिड़िया जैसे ही उस तरबूज को काटती है, उस तरबूज में से एक सुंदर सी परी बाहर निकलती है, जिसे देखकर कुकू और टोनी चिड़िया हैरान हो जाती है। आप कौन हैं और इस तरबूज में कैसे आप परी हो? मैंने किताबों में देखा है, परियां आप जैसी ही होती है। हाँ मैं परी हूँ,
मेरा नाम उजाला है। मुझे एक जादूगरनी ने इस तरबूज में कैद कर दिया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस तरबूज से आज़ाद किया। अच्छा ही हुआ जो गौरी ने मेरे तरबूज से अपना तरबूज बदल लिया। अगर आप गौरी के घर चली जाती तो पता नहीं वो आपके साथ क्या करती। आपने मेरी मदद की, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। हमारे पास सब कुछ है, बस आप खुश रहो। सुंदर परी, मुझे अपना पुराना घर अच्छा नहीं लगता, क्या आप हमारे लिए एक सुंदर सा घर बनाकर दे सकती हो। वो सुंदर सी परी हंसने लग जाती है। ये तो छोटा सा काम है। फिर परी अपने जादू की छड़ी से कुकू के घर को एक सुंदर से घर में बदल देती है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, क्या ये मेरा घर है। हाँ ये आपका ही घर है। अब मुझे जाना होगा, मेरी मम्मा बहुत मुसीबत में है। क्या हुआ सुंदर परी, आपकी मम्मा कहाँ है। फिर परी रोने लग जाती है। पहाड़ों के उस पार जादूगरनी ने मुझे तरबूज में बंद कर दिया और मेरी मम्मा को पत्थर का बना दिया। मैं आपकी मदद करूँगा। सुंदर परी, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे। आप बहुत अच्छे हो, मुझे आपसे दोस्ती करके बहुत खुशी होगी। लेकिन जब तक कोई काले कौवे का आंसू मेरी मम्मा पर नहीं गिरेगा, मेरी मम्मा अपनी असली रूप में नहीं आएगी। कौवे का आंसू, कौवा और कौवी तो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। वो है तो बहुत लालची, मगर वो मान जाएंगे। मम्मा चले हम सुंदर परी को लेकर कालू अंकल के घर जाते हैं। फिर वे सब कालू कौवे के घर जाते हैं। उजाला परी को देखकर गौरी और कालू डर जाते हैं। ये कौन है, चिड़िया तुम्हारे साथ कौन है। बचाओ बचाओ, ये तो मुझे कोई परी लग रही है। डरे ना कालू गौरी, ये परी अच्छी है। गौरी आंटी, ये परी हमारे तरबूज से निकली है और इसका नाम उजाला है, और उजाला ने हमें एक बड़ा और सुंदर सा घर भी दिया। मुझे आपकी मदद चाहिए और इन्होंने मुझे आपके पास ले आए। चिड़िया, क्या वो तरबूज, वो तो पहले मैंने लिया था। उजाला परी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, मगर तुम मुझे क्या दोगी। हमें भी कुछ दो, तभी हम आपकी मदद करेंगे। उजाला की माँ को जादूगरी ने पत्थर की बना दिया है और वो तभी ठीक हो पाएगी जब किसी कौवे का आंसू उस पर गिरेगा। ये तो बहुत आसान है, मैं इतना आंसू निकालूंगी कि मिनटों में ठीक कर दूंगी। इसके लिए हमें पहाड़ों के उस पार जाना होगा, इतना लंबा सफर करनी होगी। मुझे तो भूख बहुत लग रही है। परी, अगर आपके पास कुछ खाने को हो तो दे, फिर चलते हैं। फिर परी अपने जादू से ढेर सारा भोजन ला देती है, जिसे देखकर गौरी और कालू तो पागल हो जाते हैं। वे भोजन खाने लगते हैं। चिड़िया, क्या परी मुझे भी नया घर बना देगी। आप चले तो। फिर वे सब वहां से चले जाते हैं। जल्द ही वे सब पहाड़ों के उस पार पहुंच जाते हैं। फूलों के पास उजाला परी की मम्मा थी, पर वो बोल नहीं सकती थी क्योंकि वो पत्थर की बनी हुई थी। कालू, चलो जल्दी से अपना आंसू उजाला की मम्मा के ऊपर गिरा दो। जल्दी करे, कहीं वे जादूगरनी फिर से न आ जाए। फिर कालू कौवा बहुत कोशिश करता है, पर उसे रोना ही नहीं आता। गौरी, तुम ट्राई करो, मुझे तो रोना ही नहीं आ रहा है। कालू, मैं मारती हूँ तुम्हें, फिर तो रोना आएगा तुम्हें। नाना गौरी, ऐसा ना करना। गौरी और कालू बहुत कोशिश करते हैं, मगर उन्हें रोना नहीं आता। फिर चिड़िया गौरी कौवी से कहती है। गौरी, भूरा कौवा जिसे छोड़कर तुमने कालू से शादी कर ली थी, अब वो जंगल का सबसे अमीर कौवा है। उसके पास अब अपना आमों का बाग है। ये सुनकर गौरी जोर जोर से रोने लग जाती है। हाय रे मेरी किस्मत, कालू कभी तुमने मुझे पेट भर के भोजन भी नहीं दिया और मैंने भूरे कौवे को छोड़कर तुमसे शादी कर ली। जैसे ही गौरी के आंसू उजाला की मम्मा पर गिरती है, उसकी मम्मा कैद से आज़ाद हो जाती है।
जिसे देखकर उजाला बहुत खुश होती है। मेरी उजाला, मेरी बेटी ने मुझे बचा लिया। हाँ मम्मा, ये मेरे नए दोस्त हैं। अगर ये मेरी मदद न करते तो मैं ऐसा न कर पाती। उजाला परी जी, आप हमें भी सुंदर सा बड़ा घर बना दे। आप घर जाकर देखे, आपका घर बन चुका है। फिर ऐसे उजाला परी अपनी मम्मा के साथ अपने घर चली जाती है और चिड़िया और कौवे भी अपने घर चले जाते हैं।